जब शत्रुघ्न सिन्हा के कारण रीना रॉय को मिली थी बेटी सनम की कस्टडी। शत्रुघ्न सिन्हा पूनम चंदानी और रीना रॉय से डबल शिफ्ट में इश्क लड़ाते थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो उन्होंने पूनम का हाथ थाम लिया और रीना रॉय वफा करके भी तन्हा रह गई। मजे की बात ये रही कि शादी के बाद भी शत्रु रीना रॉय को भूल नहीं पाए और ना ही रीना रॉय शत्रु को अपने दिल से निकाल पाई। पारिवारिक दबाव बढ़ने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को रीना से किनारा करना ही पड़ा। निराश होकर रीना ने साल 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचा ली। रीना रॉय ने मोहसिन खान से शादी कर भारत छोड़ दिया था, लेकिन दोनों की ज्यादा दिनों तक निभ नहीं पाई और 2 साल के भीतर ही तलाक की नौबत आ गई। मोहसिन खान और रीना रॉय की बेटी जन्नत इस झगड़े में फंस गई। मोहसिन खान ने रीना रॉय को घर से निकाल दिया और बेटी देने से साफ इनकार कर दिया। ये रीना रॉय के लिए दोहरा सदमा था। करियर गया, शादी टूटी और अब बेटी भी छीन ली गई। ऐसे समय में एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय की मदद के लिए आगे आए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की बेटी शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ी फैन थी, जिसकी वजह से जियाउल हक और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच निजी ताल्लुकात थे। भारत में जियाउल हक और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती के काफी चर्चे होते थे। शत्रु अक्सर हक साहब के मेहमान बनकर पाकिस्तान जाते आते रहते। हक से मुलाकात के दौरान एक बार उन्होंने मोहसिन खान और रीना रॉय के रिश्तों का जिक्र करते हुए इंसाफ करने को कहा। हक ने निजी रुचि दिखाते हुए मोहसिन खान को बेटी जन्नत की कस्टडी रीना रॉय को देने का आदेश दिया। जियाउल हक के सामने भला मोहसिन खान की क्या चल सकती थी। इस तरह जन्नत की कस्टडी रीना रॉय को वापस मिल गई और रीना ने उसका नाम जिन्नत से बदलकर सनम रख दिया। इस तरह संबंध टूट जाने के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय की मोहब्बत का हक अदा कर दिया।